स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। इसके निश्चित तौर पर अभी बोला तो नहीं जा सकता है कि ऑफिशियली कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए, मगर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी हैं, आरपीएन सिंह जी थे, कृष्ण विनय गोपाल थे, सारे लोगों से मिले हैं। कांग्रेस की जो नीतियां रही, कांग्रेस की जो सिद्धांत रहे कि आमजन की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, उससे अगर प्रभावित होकर हमारे दो माननीय विधायक और दोनों संघर्ष में करने वाले विधायक बंधु जी आदिवासी मूलवासी की आवाज है इस राज्य में, प्रदीप यादव जी हमेशा विस्थापितों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वहां पर जिस प्रकार अडानी पावर प्लांट का उन्होंने विरोध किया था, रैयतों का जमीन सरकार भाजपा ने छीन कर उनको जेल जाना पड़ा था, तो कहीं कहीं उस संघर्ष के दो विधायक अगर कांग्रेस में आते हैं उनका स्वागत में पहले भी बोला था, अब फिर बोल रहा हूँ कि स्वागत है। और उनकी जो सोच है इस राज्य की जनता के प्रति और कांग्रेस पार्टी की जो सोच है कि यहाँ के लोगों को कैसे उनका अधिकार मिले, उस अधिकार की लड़ाई में अब तो सरकार है, लोगों को कैसे उनका हक दिलाए, अगर आते हैं तो उनका स्वागत। कल आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने महामहिम राज्यपाल महोदया से लड़ाई लिया है, मगर जैसा मैंने सुना और उम्मीद में पढ़ा कि वो जो चैतवासा की जो गुजरी की घटना थी उसको देखकर वो बड़ा ही मतलब हृदय विदारक घटना थी, उसको देखकर वो बड़ा मायूस हो गए, उसके लिए एक्सटेंड किया गया है। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।